મહામારીના સમયમાં પ્રજા આર્થિક મુશ્કેલીમાં છે એવા સમયે ભાજપ સરકાર પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવોમાં છેલ્લા 15 દિવસથી સતત ભાવ વધારો કરી રહી છે। આ મોંઘવારીનો માર અસહ્ય બનતા લોકોને ખૂબ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। આ સમય ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના સુરતસર કોંગ્રેસના વોર્ડ નંબર 11માં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો હતો। કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવતા લાલગઢ પોલીસ દ્વારા તેમની અટક કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તેમને છોડી દેવામાં આવ્યા હતા। दर्शक मित्रों, हाल में चाली रहेल महामारी कोरोना वायरस कोविड 19 ने लीधे समग्र भारतभर में जे लॉकडाउन करवामां आवेल जेने कारणे पहलेथी ज लोको धंधा रोजगार वगरना बेकार थई गए अने आर्थिक मुश्किलीओ भोगवे छे त्यारे पड़िया उपर पाटोनी जेम भाजप सरकार द्वारा सतत 15 दिवस थी पेट्रोल और डीजल भाव में जो भाव वधारो थई रह्यो छे तेनाथी प्रजा वधु ने वधु आर्थिक मुश्किलीओनो सामनो करवो पड़े छे पड़ी रही है प्रजा ने अने प्रजा खूब ज तकलीफ में छे, प्रजा खूब परेशान छे। प्रजानी आ मुश्किलीओ सरकार समक्ष रजू करवा सारू गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल भाव वधारानो आजे सूरतमां कार्यक्रम करवामां आवेल तेना अनुसंधानमां इलेक्शन वोर्ड नंबर 11 मोगलीसरा सैयदपुरा कुबेरनगरना कार्यक्रमों द्वारा मरजान सांजे रोड पर कार्यक्रम आपवामां आवेल त्यारे लालगढ़ पोलीस द्वारा बधाने डिटेन करवामां आवेल छे। नमस्कार, हूँ मुश्ताक सिद्दीक कानूगा, वोर्ड नंबर 11 मोगलीसरा सैयदपुरा कुबेरनगर वोर्ड प्रमुख। आज सतत 15 दिवस की सरकार पेट्रोल डीजल भाव वधारी गई है। भाई शाम क्रूडना भाव आज नीचे नीचला स्तरे है। जयरे कांग्रेस की सरकार थी तरह क्रूडना भाव 100 बेरल पर तो आज 40 जीव है तो पण एक भाव एनथी कांग्रेसना सरकार जमाना में एनथी पण वधारेनो भाव आज थई गयो डबल थई गयो। अने विचारवा जेवी बात तो ये कि आपणो भारत देश 14 देशों ने 34 रुपयाना भावे डीजल आपे छे, पेट्रोल आपे छे अने आपणाने अहींया 76 रुपया लीटर पेट्रोल डीजलना भाव पड़े। शू आपणा घरना कोईरा घटी चाटे एवुं नथी, શું આ આપને માર પડે એવું નથી। આજે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે કે ઘરેમાં પણ આ ડબલ ભાવ છે, તો અમે સરકાર સાહેબને અપીલ કરું છું કે જે ભાવ 14 દેશોને તમે આપો છો એ જ ભાવથી તમે અહીંયા પણ આપો, તો આ કોવિડ મહામારીમાં જે લોકોને તકલીફ પડી રહી છે થોડી રાહત અનુભવે એવી હું અપીલ કરું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। આજે हिंदुस्तान आर्थिक मंदी नी तरफ जाइ रह्यु छे अने कोविड 19 ना हिसाबे आजे देश में महामारी चाली रही छे। लोको पासे काम धंधो नथी, लोको पासे पैसा नथी, लोको पासे खावाना फाफा छे, लोको पासे आजे काम धंधा बिल्कुल नहीं अने आर्थिक मंदी सेहरैया छे। एवा समये गरीब अने मध्यम वर्गनी हालत कफोड़ी थई छे, गरीब वधारे गरीब थई रह्यो छे अने मध्यम वर्ग मांगवा तरफ जई रह्यो छे। एवा समये जो देश में आ सरकारो वारंवार पेट्रोलना अने डीजलना भाव में सतत वधारो करी रह्या होय अने आवी परिस्थिति में सलग 15 दिवस थी 10 થી 8 થી 10 रुपया सुधीना वधारे थया छे अने एना मुकाबले आपड़ा पड़ोसी देशों में डीजल अने पेट्रोलना भाव घणा ज ओछा छे, तो शू ए भावे आपणने केम ना मळी सके? शू सरकार एनी ड्यूटी ओछी नथी करी सकती? શું સરકાર પાસે તેવળ નથી કે શું સરકાર કોઈને લાભ આપવા માંગતી નથી?
આવા સમયે જો ખરેખર સરકારે લોકોની પડખે ઊભા રહેવું જોઈએ, એના બદલે સરકાર સતત ભાવ વધારો કરી રહી છે અને આ ભાવ વધારાને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ.